ये रास्ता यहाँ से हमको राइट साइड में जाना है और यहाँ से 400 मीटर समथिंग रह गया है। काफ़ी बड़ा ले सकते हो आप, काफ़ी लंबा फैला हुआ है जी। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, उस साइड से हमें साइड आ गए। काफ़ी टेस्ट लगी देखने में, टेस्ट करते हैं बताते हैं आपको। कोई बर्तन वर्तन होती है हमने ये। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हो आर एम ब्लॉग एंड टूरिज्म। और अभी हम जा रहे हैं कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए ग्वालियर में। और ग्वालियर में काफ़ी कम जगह हैं और है भी तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कुछ जगह हैं, तो हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं यहाँ पर हाई से आपको नहीं पता हो तो वीडियो पूरा देखें। और अभी एक हम खड़े हुए हैं रावली चौराहे पे, रावली चौराहे यहाँ से हमको अंदर जाना है। और यहाँ गौरव है, अनमोल है और दीप भाई है, हम दोनों अपनी बाइक से जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और वहाँ जाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो वहाँ पहुँचने में। अभी यहाँ से 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जहाँ दूर नहीं है पास में ही है। तो और जो कोई हनुमान मंदिर का रास्ता, इधर से ये रास्ता यहाँ से हमको राइट साइड में जाना है। इंडिकेटर देते हैं, यहाँ से रास्ता है। चलो रास्ता तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से हमको राइट में जाना है, इसके बाद आगे एक और रोड मिलेगी हाईवे वाली बड़ी वाली, तो वहाँ से हमको राइट में जाना है दोबारा। यहाँ से राइट में जाना है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता हो रहेगा, 4.4 किलोमीटर। यहाँ से हमको लेफ्ट साइड में जाना है, ये रास्ता है लेफ्ट साइड वाला। और यहाँ से 400 मीटर समथिंग रह गया है, तो गाइस आगे से लेफ्ट जाना है। यहाँ से लेफ्ट साइड खड़ी है गाड़ी बर्फ की, ये है पूरा डैम। देखते हैं पीने का कैसे क्या हिसाब है। बस अंदर जा रहे हैं हम, अब और गाड़ी यहीं पे लगा दी साइड में और सामान निकाल ले, पूरा सामान लेके चल रहे हैं नीचे। और देखते हैं आगे की साइड, बोल रहे हैं आगे की साइड अच्छी जगह है, तो वहाँ देखते हैं कैसा क्या है। और काफ़ी बड़ा दे सकते हो आप, काफ़ी लंबा फैला हुआ है जी दूर दूर तक। बेस्ट जगह तो अच्छी है, पानी भरा हुआ है, लेकिन भरा हुआ पानी है तो गंदगी ज़्यादा हो गई, देख सकते हो आप काफ़ी गंदगी दिख रही है। अब उधर साइड देखते हैं, उधर अच्छा है कैसा क्या है, उधर पता चलेगा वो तो आने के बाद। अगर टेंट की जगह हुई अंदर तो टेंट लगाएंगे, साथ में ले चल रहे हैं टेंट, क्योंकि यहाँ भारी भी नहीं है और वहाँ लगता है तो वहाँ बंदा हो जाता तो कौन देखता वहाँ पे, तो हम सभी ले ही चलते हैं उसको वहाँ से। और रखा होने कोई फ़ायदा भी नहीं है, लाएँ तो यूज कर लेंगे वहाँ पर हर जगह छुई। तो भाई से ये इधर से आ गए हम, पास में ही एक पेड़ लगा हुआ है, इसी की छाँव में अपने टेंट लगाते हैं और अपना यहीं बनाते हैं पिकनिक का जो भी है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, उस साइड से हमें साइड आ गए, उधर साइड से अच्छी है, वहाँ का छोटा पौधा फैला पड़ा हुआ है। यहाँ पिकनिक बनाने के लिए है लेकिन जाना नहीं है, नॉर्मल आप आ सकते हो, पास में ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूर के लिए तो अच्छा नहीं है, कोई जाना नहीं है, खास नहीं है। और पानी गंदा भी है, कि रुका हुआ पानी है, इस चक्कर में गंदा पानी है अभी। ठीक है, हम अपना टेंट सेटअप करते हैं फिर। भाई सेटअप हो चुका है अपना टेंट, और हमने डनकवर लगाया नहीं, डनकवर यूज़ नहीं है और धूप भी नहीं आ रही, बाकी हमने जाली के लिए लगाया है क्योंकि हवा चल रही है अच्छी ठंडी और थोड़ा छाया भी आ गई है। और यहाँ वैसे छाया तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपना सेटअप निकालते हैं सामान वगैरह और बनाते हैं अपना जो भी है खाने पीने का, दिखाते हैं आपको। और तो गाइस पहले कॉफ़ी बना रहे हैं, इसके बाद देखते हैं आप ये पानी साइड रखते हैं, पहले थोड़ा पानी डाल दिया है। तो गाइस फाइनली कॉफ़ी बन चुकी है, अपनी ग्लासी निकल गई है, अब ट्राई करते हैं कैसी बनी है, बताते हैं आपको। तो गाइस कॉफ़ी बन चुकी है और टेस्ट करते हैं कैसी है। ठीक है, अच्छी है। गाइस कॉफ़ी वगैरह पी लिए और ये अपना कचड़ा पन्नी में डाल दिया है, और प्याज मिर्ची टमाटर और धनिया बाद में काटेंगे, सब कट गया है और गौरव धुन गया है अभी, मैं वो धो के आ जाए फिर अपना दोबारा कॉफ़ी में, कॉफ़ी तो बन गई मैगी का करते हैं सेटअप, जल्दी से आया धो के बस वो। अरे ओ पानी कैसे गंदा साफ है, हाँ साफ नहीं है ना। मैगी बन चुकी है और काफ़ी टेस्ट लगी देखने में, टेस्ट करते हैं बताते हैं आपको। ये तो खाना ही बढ़ गए, कैसी लगी मैगी, बढ़िया मस्त एकदम, देव कैसी लगी, आप भी खा लो। और अभी कुछ मैगी बन रही है क्योंकि एक बार में पूरी मैगी नहीं आ पाई थी तो इसलिए और बना रहे हैं, अभी आधी निकाल दी थी। तो ये मैगी तो काफ़ी अच्छी मैंने टेस्ट कर देगी, एक नंबर मैगी है, मज़ा आ गया, देव ने बनाई है, देव भाई बढ़िया, ठीक है गुड जॉब, ऐसे ही काम करते रहो। तो गाइस मैगी वगैरह फिनिश कर दिया और काफ़ी मस्त लगी, मज़ा आ गया मैगी खाने में, और मन हो रहा है लेकिन मैगी खत्म हो गई, 5 मैगी थी अच्छी, 5 बना ली हमने दुआ करके बनाई, लेकिन मज़ा आ गया एक नंबर, दोनों मैगी में एक नंबर मज़ा आया, बाकी वाली में तो और ज़्यादा मज़ा आया। थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, मज़े लेते हैं शांति के सुकून के, तो चलते हैं यहाँ से फोन पैक करते हैं। तो गाइस चलते हैं नीचे धोने के लिए, इनको देखते हैं कहाँ से जाए नीचे आने के लिए जी। ये नीचे धोते हैं, गंदा पानी है लेकिन यहाँ पे धो लेते हैं, बाद में धो लेंगे। और
हमने पहले धोए थे तो हमने अपने साफ पानी से भी धो लिए थे, वही पानी यहाँ गंदा है। बस ये काफी सारी मछली आ गई हैं क्योंकि बर्तन वर्तन धोते हमने, ये थोड़ा जो जल गया था वो पड़ा हुआ है इसमें। अरे यार हाथ में तो देख सकते हो सही, आप काफी सारी आ गई, थोड़ी बहुत नहीं काफी सारी यहाँ से आना है, ये देख सकते हो यहाँ पर छोटी छोटी हैं। तो गाइस से पूरा साफ कर दिया यहाँ पर, अपनी बोतल है और हेलमेट है और जूते पहनने हैं, जूते पहन लें फिर चलते हैं बार बार निकल यहाँ से और इस ब्लॉक को यहीं बैंड करते हैं। अगर जगह अच्छी है जगह कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको इस हटाना पड़ेगा उस गाड़ी देखना पड़ेगी आपको अपनी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पानी लेके आना पड़ेगा, यहाँ पर पानी वाला कोई सुविधा नहीं है, पानी काफ़ी गंदा पानी है यहाँ का, अगर आप पानी यहाँ से लेते हो तो, और थोड़ा बहुत ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ सकते हो आप घर से कैंप ला सकते हो या फिर बोतल ला सकते हो जैसे आप कितने लोग आ रहे हो सबसे, और या फिर गाँव वाले से ले सकते हो पानी आप तो वहाँ से ले मिल जाता हो। तो बाकी इस वीडियो में पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकली बाय बाय।